खा के टेस्ट करके बता। हाउ इज इट? यम्मी? बहुत यम्मी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मॉर्निंग में मैंने दिन की शुरुआत की है एक फेस पैक के साथ, जो कि मैं हमेशा अप्लाई करती हूं और आज आपके साथ भी शेयर करने वाली हूं। तो यहां पे मैंने एल्प्स गुडनेस की वाइल्ड टर्मरिक ली है, साथ में सैंडलवुड पाउडर लिया है एल्प्स गुडनेस का, और साथ में यहाँ मैं आधे चम्मच के करीब लेने वाली हूँ बेसन। तो ये फेस पैक जो है वो मैं वन टाइम के लिए बना रही हूँ और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। और बेसिकली ये फेस पैक होता है टैनिंग के लिए, और या फिर अगर आपको स्किन में कहीं कहीं डार्क पैचेस हैं तो उसके लिए भी बेस्ट होता है, और नेचुरल ग्लो के लिए तो अमेजिंग होता है। तो देखिए, यहाँ मैंने मिक्स कर दिया है इन तीनों को, और यू कैन अप्लाई नाउ। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। और जिन भी लोगों को टैनिंग की प्रॉब्लम है, अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे लाइक हर दिन 3-4 दिन कंटिन्यू अप्लाई करते हो तो आपकी टैनिंग बिल्कुल हट जाएगी। और जिनको भी कहीं कहीं अराउंड द नेक या फिर अराउंड द लिप्स डार्क होता है और कलर एक सा नहीं होता है स्किन का, तो उनके लिए भी बेस्ट होता है ये। तो मैंने दिन की शुरुआत की थी इस फेस पैक के साथ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आए अप्लाई करके देखिएगा, अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं इसको ऑल ओवर द नेक और ईयर्स में और फेस पे सब जगह अप्लाई कर लूँगी। और आपको ईयर्स बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चाहे आप फेस पैक लगाओ या फिर कोई भी टाइप का फेशियल करवाओ। और दोस्तों, इस फेस पैक को 10-15 मिनट के करीब रखना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए निकाल दीजिएगा, एंड देन यू कैन वॉश विद द नॉर्मल वाटर या फिर ल्यूकवॉर्म वाटर से आप वॉश कर लें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ऑल ओवर द फेस और नेक में और ईयर्स में भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया था, और इसको मैं छोड़ दूँगी 15 मिनट के करीब। तो आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली जिनकी स्किन अच्छी खासी है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहो तो वीक में 2 बार या 3 बार अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, मैंने फेस वॉश कर लिया है और ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में आपको फेस दिखा रही हूँ। यू कैन सी द इफेक्ट आफ्टर अप्लाइंग फेस वॉश, सॉरी फेस पैक। हाँ जी, तो फेस पैक अप्लाई करने के बाद यू कैन सी द डिफरेंस। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पिंपल हो गया है, तो ये तो आता जाता रहता है, ये तो होता रहता है। तो एनीवेज, और इसके अलावा मेरी आईब्रोज भी मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनवाई है। रीज़न इज़ दैट कि लास्ट टाइम जिनके यहाँ बनवाई थी, उन्होंने मेरी आईब्रोज के साथ लाइक डिजास्टर कर दिया था, यहाँ पे पूरा उड़ा दिया था, इसको बहुत थिन कर दिया था। यू कैन सी द डिफरेंस। तो मैं सोच रही हूँ इसको पूरा ग्रोथ हो जाती है देन मैं बनवाऊँगी। उसी वजह से फेस एकदम क्लीन नहीं लगता इफ़ आईब्रो नहीं होना प्रॉपर। तो एनीवेज, देख आप देख सकते हो, और थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। आपकी बिल्डिंग कौन है? मम्मा की बिल्डिंग ये वाली हमारी है, आपकी है? अच्छा, आपकी बिग है। हाँ, पर आपके फ्लैट्स बड़े हैं, देखो कितने बड़े बड़े। आपके फ्लैट्स छोटे छोटे हैं। हाँ, देखो ये ग्राउंड फ्लोर देखो आपका और हमारा ग्राउंड फ्लोर। आपके ग्राउंड फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं? हमारे ग्राउंड फ्लोर पे 8 और मम्मा के 20। तो आज कबीर का 8 आपके हैं, कम से कम 12। ओके, हमारे 8 या 9 है, 9 है, 9 है, आपके 12 है। और आपका आज हॉलिडे का क्या प्लान है? मैगी देखेंगे और मूवी खाएंगे। मूवी खाएंगे, मैगी देखेंगे। क्या प्लान है? मैगी खाएंगे और मूवी देखेंगे। मैगी खाओगे और मूवी देखोगे? हाँ। चलो ठीक है, तो चलो पहले आपकी बिल्डिंग तो बन गई, अब चलो मूवी बना लो, सॉरी मैगी बना लो। हमने क्या बोला? आपने उल्टा बोला। कम चलो चले, आज मैगी कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। आपसे आती है? हाँ। चलो ठीक है, तो गेट अप। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ मैगी, देखिएगा वीडियो एंड तक। क्या किया आपने? पानी गर्म हो रहा है। और आप भी फिनिश मत कर देना सारी मैगी। मजा आता। कहाँ खड़े हो? हम ऐसे भी बना सकते बिना स्पून के। गिरा लोगे बेटा? चलो हॉट वाटर होने वाला है, आप मैगी ऐड करना पहले। हाँ, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मैं डाल ले जा रहा हूँ।
आराम से डालना बेटा। देखो डाल दे। आराम से। और बाकी का डाल दिया। एक तो वही रह गया, तेला चम्मच। आज कभी कौन सी मैगी बनाएगा? चीजी मैगी बनाएगा। रुको रुको, उसको ब्रेक मत करो। जैसे नीचे वाला मैगी पकेगा ना, वैसे ही ऊपर वाले भी, फिर इसको टर्न कर देंगे। चलो टाइम हो गया मसाला डालने का। आराम से कबीर आपसे कुछ काम करवाना ना बहुत डिफिकल्ट है। पहली बार कुकिंग कर रहे हैं मम्मा। बोथ हैंड से पकड़ो पैकेट। ठीक है, चम्मच देना, मिला दे। अब इसको मिक्स अप कर दो। चम्मच दो, इसी से फॉक से करो। अरे अभी तक मसाला आया ही नहीं। अभी आएगा, रुक जाओ। तो पैकेट डाल दिए, पकने दो। येलो अभी एक और चीज देगी मम्मा, इसका ना लगे ना। देखो कितनी अच्छी बन गई। अभी इसे खाने का मन कर रहा है। चीज और डालेंगे ना? हाँ, चीज भी डालेंगे और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ ना। अरे नहीं मम्मा, अरे बुरी डाले, बुरी लगी नहीं लगेगी। देखो थोड़ी सी डालो, थोड़ी सी डाल के देखें आप। डालो, ये क्या है? पेस्ट है ना, ग्रीन ग्रीन पेस्ट है। किसका है? धनिया का। धनिया और मिर्ची है इसमें। डालो ना, यम्मी लगेगी। पूरा डाल दो? हाँ डाल दो, मिक्स कर दो अच्छे से। अरे रुको, अभी चीज लेके आ रहा, नहीं तो पूरा सूख जाएगा। जल्दी से, ऐसे नहीं खाना ना? डाले और करो। चलो हम चीज डालते हैं, मिक्स कर दो। कितनी मस्त लग रही है ना, ऐसा लग रहा है पनीर है। वैसे पनीर भी रखा है। पनीर मत डालो। चलो बस लेट इट बी, रहने दो इसको, ऐसे ही बंद कर दो। बटर डालें थोड़ा सा? हाँ डालते हैं बटर। देखने में तो अच्छी लग रही है, अम्मी सी लग रही है ना। चीज इतनी जल्दी मेल्ट हो गई, देखो। हाँ तो मेल्ट तो होगी ना। मूली मुझे डाल रही। अच्छे से बेटा। चल क्या ये? चल डाले। इतनी स्लो डालोगे बेटा, मैगी पूरी ठंडी हो जाएगी आपकी। अरे प्याज से हटती ही नहीं। अब उतर जाओ यहाँ से। ये बन के रेडी हो गई कबीर की मैगी, है ना? अब कबीर टेस्ट करके बताएगा, है ना? फर्स्ट टाइम कुकिंग की है ना छोटे शेफ ने। तो फाइनली कबीर की मैगी बन के रेडी है। ये तो काफी अच्छी लग रही है कबीर। ठंडी हो गई क्या? थोड़ी अभी गर्म है ना। चलो पहले खा के टेस्ट करके बताओ। How is it? Yummy? बहुत yummy है। मजा। अब आराम से बैठो, sit down properly, अब खाओ। Enjoy it. मजा आ गया। चीज़ चीज़ जैसा नहीं लग रहा, बटर जैसा लग रहा है। और धनिया का टेस्ट नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अब फिनिश कर लो। ठीक है,
9:30 का और मैंने आज आपके साथ अपना फुल डे का ब्लॉग शूट किया है। लाइक हमेशा ऐसे होता था, थोड़ा थोड़ा पार्ट मैं रिकॉर्ड करती थी एंड देन आप लोगों को दिखाती थी। तो आज तो मेरा पूरा दिन आप लोगों को मैंने दिखाया है और बेसिकली मेरा रूटीन नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो अभी मैं बना रही थी डिनर, तो डिनर में मैंने यह सोचा कि मैं कटहल की सब्जी बनाती हूँ और साथ में मैंने ये सोचा कि ये रेसिपी भी मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बिकॉज आजकल मैं रेसिपी भी सेपरेटली डालती हूँ अपने ब्लॉग में, ब्लॉग के अलावा। तो मैंने सोचा कि रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता आपका। तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रिकॉर्डिंग करने का, तो बस मैंने रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की। और अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बताइएगा मैं कैसे कटहल की सब्जी बनाती हूँ, आपके साथ रेसिपी भी जरूर से शेयर कर दूंगी। बट मैं उसका वीडियो अलग से रिकॉर्ड करके अलग से अपलोड करने लगी हूँ आजकल, बिकॉज ब्लॉग के साथ अगर रेसिपी शेयर करती थी ना तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता था और कहीं क्या होगा ना कि रेसिपी में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वही देखेंगे। तो एनीवेज, और अभी मैं डिनर बना रही हूँ, साथ में कबीर को भी भूख लगी, तो कटहल की सब्जी बनाने में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो आई एम थिंकिंग कि कबीर के लिए कुछ और बना दूँ, तो पहले मैं कबीर को बना के देती हूँ एंड देन अपने लिए देखती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। तो चलिए गाइज, आज का पूरा दिन मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और सेकंड थिंग, जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ चैनल मेरा फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लो, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, उल्टा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी मेरे नए ब्लॉग आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हेलो बोलो सबको। हेलो। चलो टीवी देखने रहना, पढ़ाई नहीं करना आप। हाँ तो दोस्तों, अभी हो गया टाइम अराउंड 7:30 का और यहाँ मैं बना रही हूँ आज सब्जी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी, तो उसके लिए मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ। और कबीर को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो इसलिए फटाफट से मैंने एक आलू का पराठा उसको बना के दे दिया। और मैं अपने लिए फाइनली यहाँ सब्जी बनाई, अपने लिए नहीं मतलब अपनी पूरी फैमिली के लिए यहाँ सब्जी बना रही हूँ। तो ये रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था और कबीर को इवनिंग टाइम में वॉक करने जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा खेल लेता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख जल्दी से लगाती है। तो फाइनली दोस्तों, मेरी कटहल की सब्जी भी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है और मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम हो गया है, तो मैं एक बार पास से दिखा देती हूँ। और मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम हो गया, तो आई एम वेटिंग फॉर हिम। और यहाँ पे देखिए, मैंने मेन बैल आटा निकाल के रखा है, तो बस मैं इसको आटे को भी गूंद लूँगी और यहाँ पे भी सेपरेटली मैं आटा निकाल देती हूँ रोटी में लगाने वाला, जो बेलते टाइम लगाते हैं उसके लिए। और बस अभी आटा करके इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, देन मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी जब तक हस्बैंड आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, कबीर की एक्सरसाइज चल रही है। बताना कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, शर्म आ गई। कबीर की नेक में आज पेन हो रहा था, तो इसलिए ही इज डूइंग एक्सरसाइज। तो फाइनली मैं, अब देखिए सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है, अब मैं गैस की फ्लेम कर दूंगी ऑफ़।